बिसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम आज हमारी किचन में बन रही है बहुत स्पेशल रेसिपी चिकड़ छोले तो हम उसे शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले आप मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको सबसे पहले मेरी वीडियो मिल जाए यहाँ मैंने लिया है एक प्रेशर कुकर उसमें मैंने डाला है आधा कप तेल तेल डालने के बाद जब तेल गर्म हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी प्याज मीडियम स्लाइस अनियन है ये एक मीडियम uh, साइज़ की मैंने स्लाइस लेकर इसमें डाल दी है जब इसका कलर जो है वो पिंक हो गया है ब्राउन नहीं करना है जब ये पिंक हो गया है इस वक्त मैं इसमें डाल दूंगी लहसन अदरक का पेस्ट जो कि दो टेबल स्पून है वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे मैं थोड़ा सा भून लूंगी इसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे मसालों में मैंने लिया है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से उसके साथ लिया है एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर एक टेबल स्पून धनिया पाउडर एक टी स्पून हल्दी पाउडर एक टेबल स्पून आमचूर पाउडर जैसे खटाई भी कहते हैं खटाई पाउडर है ये मैंने वो डाला है इसमें और ये डाल के मैं इसे अच्छे से भून लूँगी जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तकरीबन पाँच मिनट मैंने इसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूना है और प्याज तकरीबन काफ़ी नरम हो गई है इस टाइम पर अब हम इसमें अपने चने ऐड करेंगे जब ये अच्छी तरह भून गया है चने जो है वो मैंने पूरी रात के भिगोए हुए थे कम से कम छः घंटे चने भिगोए सोडा जो होता है वो मैंने इसमें डाला है बाय कार्बोनेट सोडा जो होता है मैंने इसमें एक टेबल स्पून डाला था और ये चने हैं मेरे पास तकरीबन दो कप इसमें मैंने जो पानी था उसके समेत ही डाल दिया है सोडे वाला पानी है इसके अंदर वो मैंने डाल दिया है आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसमें पानी डाल लीजिए इसे गलाने में गोश्त से ज़्यादा टाइम लगता है मैंने इसे आठ सीटी में गलाया था भीगे हुए चने हैं कच्चे चने हैं ये आप इसमें पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं सात से आठ सीटी के बाद अब इसकी शक्ल कुछ इस तरह से है कि इसका पानी जो है तकरीबन कम हो गया और चने आपको मैं चेक करके दिखा रही हूँ कि इस हद तक गल चुके हैं अब एक साइड पर मैंने फ्राइंग पैन जो है वो गर्म करने रखा है इसमें हम डालेंगे अपने मसाले जो कि एक टी स्पून जीरा एक टी स्पून सूखा धनिया और एक टी स्पून काली मिर्चें वो डाल के मैं उसे ड्राई रोस्ट करूँगी और उसे मैं कूट लूँगी जब तक जो चने हैं वो तेज़ आँच में मैं उन्हें भूनती जा रही हूँ ताकि जो नरम चने हैं वो उसके अंदर घुलते जाएँ उससे बहुत अच्छा टेक्स्चर आता है वो होता जा रहा है वो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो अब वो जो मसाला है मैंने भून लिया है आप देख सकते हैं चनों की शक्ल किस तरह से आ गई है और ये जो मसाला है ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी और ये डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी अब चने जो है हमारे रेडी हैं आप इस पर चाहें तो देसी घी डाल सकते हैं या मक्खन डाल सकते हैं लेकिन मैंने इस पर हल्का सा तड़का लगाया था जो मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने दो टेबल स्पून ऑयल लिया है फ्राइंग पैन में उस पर मैंने डाली है बिल्कुल वन फोर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर ताकि इस पर अच्छा से कलर आ जाए और उसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी इसे हमने जलाना नहीं है बिल्कुल लो फ्लेम है इस टाइम पर और इसे हल्का सा बस मिक्स जैसे ही कलर आएगा तेल में वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है तड़का डालने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और चूल्हा बंद है हमारा अब मैं इसे दो मिनट के लिए ढक्कन लगा दूंगी फिर मैं आपको इसे सर्व करके दिखाती हूँ जी नाजरीन हमारे बहुत ही मजेदार चिकड़ छोले तैयार हैं जो कि आपको बिल्कुल किसी ढाबे स्टाइल की लगेंगे या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में मिलेंगे आप इसे घर में बनाएं आपको बिल्कुल ये बाहर वाला मजा देंगे इसे अमूमन सर्व किया जाता है नान के साथ और तंदूर की रोटी के साथ ये उसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं इसके साथ लीमू वाला सलाद और लमन सर्व किया जाता है मैंने ऐसे ऐसे ही दिखाया है आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी है साथ ही मेरी रेसिपी को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें थैंक यू फॉर अल्लाह हाफिज़